नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 4 अगस्त और साथियों इस समय के इस वीडियो के तहत शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आपको 3 से 4 महत्वपूर्ण अपडेट्स दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हर प्रकार की अपडेट के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं इस समय की बड़ी खबरें। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट आप देख सकते हैं, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वित्तीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा 22 विभिन्न विषय में चयनित अभ्यर्थियों के मंडल आवंटन के बाद पदस्थापन परामर्श सूचना संबंधी सूचना और देख सकते हैं काउंसलिंग फॉर पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक यहाँ पर दिए हुए हैं। वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी और संस्कृत 31 जुलाई 2024 के निर्देश अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा 22 विषय अंग्रेजी और संस्कृत के चयनित और अभिस्थापित अभ्यर्थियों के मंडल आवंटन के बाद पदस्थापन हेतु परामर्श शिविर का आयोजन आयोजित किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग विषय दिया हुआ है यहाँ पर और अभ्यर्थी संख्या वरिष्ठता क्रमांक अनुसार आप देख सकते हैं अंग्रेजी नॉन टीएसपी, टीएसपी, संस्कृत नॉन टीएसपी और टीएसपी। ये 5 अगस्त यानी कल प्रातः 10 से 10:30 बजे तक और यहाँ पर दिया हुआ है विलंब से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु निर्धारित वेतन का लाभ दे नहीं होगा और संबंधित अभ्यर्थी अपने विषय से संबंधित परामर्श शिविर तिथि को कैंप में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु स्थान का चयन करें। परामर्श कैंप में उपस्थित होकर विद्यालय का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रहे रिक्तियों पर कहीं भी पदस्थापन किया जा सकेगा और वरीयता सूची के अतिरिक्त यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग में वरीयता प्राप्त करनी हो तो काउंसलिंग दिवस प्रातः 10:30 बजे से पूर्व अपने मूल दस्तावेज सहित प्रस्तुत करने पर ही वरीयता दे होगी और अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे कि सूचीमणित अभ्यर्थी वांछित मूल दस्तावेज और उनकी छाया प्रति सहित निर्धारित स्थान और समय पर काउंसलिंग में उपस्थित हो। तो लिस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ये आदेश जारी हो चुका है पाली संभाग और इसके बाद में ये शुभ निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर पदस्थापन परामर्श सूचना ये जोधपुर से संबंधित है। वही अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू तीनों विषयों का इसमें दिया हुआ है और काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थी अंग्रेजी के 31, संस्कृत के 80 और उर्दू के 2। काउंसलिंग दिनांक आप देख सकते हैं यहाँ पर और काउंसलिंग का कार्यक्रम पंजीयन समय दिया हुआ और दस्तावेज सत्यापन के उपरांत काउंसलिंग प्रातः 10 बजे से ये भी आप देख सकते हैं और परामर्श शिविर हेतु आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी हो चुके हैं। क्या क्या आपको ले जाना होगा उस संबंध में देख सकते हैं आप। इसके बाद में अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। ये विशेष श्रेणी निर्धारण हेतु वरीयता पर पत्र और आलोक राज्य चेयरमैन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इन्होंने कहा कि सीटी एग्जाम से ऑन टाइम होंगे, कोई भी चेंज अपडेट नहीं है और तैयारी करें, हमारा नोटिफिकेशन अगले हफ्ते जारी हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि जो सीटी का नोटिफिकेशन है वो अगले हफ्ते और ऑनलाइन फॉर्म्स जो फिलिंग प्रक्रिया भी वो 3 से 4 दिनों में आरंभ हो जानी चाहिए, इनका प्रयास जारी है ऐसा इन्होंने कहा है सीटी एग्जाम्स नोटिफिकेशन को लेकर के। और पूरा लेखपाल सहायक पूरा लेखपाल एग्जाम में 10% शामिल नहीं, अजमेर में बनाए 15 सेंटर, 3490 केंद्र रजिस्टर्ड, शामिल हुए 344। आरपीसी की ओर से शनिवार को पूरा लेखपाल सहायक पूरा लेखपाल प्रतियोगी परीक्षा 24 का जो आयोजन किया गया, परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले यानी 1 घंटा पहले ही तक ही प्रवेश दिया गया, इसके बाद किसी परीक्षार्थी की एंट्री नहीं मिली। आप देख सकते हैं इससे संबंधित जुड़ी अपडेट कितने प्रतिशत इसमें अभ्यर्थी शामिल हुए और तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित अन्य कैडरों को सरकार ने दी शोभा, शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। न्यायालय वाद के कारण लंबित पदोन्नति का रास्ता खुला, राजस्थान सेवा नियम 1951 में संशोधन, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 4 वर्ष से लंबित पदोन्नति की होगी राह आसान, अस्थायी पदोन्नति में भी वेतनमान संबंधी परिलाभ मिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीपी प्रकाश शर्मा ने कहा कि संगठन मांग करता है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित अन्य कैडरों का भी न्यायालय वाद के कारण फैसला आने तक अस्थायी वैकल्पिक पदोन्नति की जाए और सरकार द्वारा अस्थायी पदोन्नति में सभी परिलाभ देने पर राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। तो साथियों ये थी आज की इस वीडियो के तहत इस समय की इस महत्वपूर्ण अपडेट से, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।